पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अब लगाम लग सकती है। सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, सामान्यतः जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को भविष्य में जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिसे जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है। वक्त की अहम खबर और ज्यादा जानकारी के साथ अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अगर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत जीएसटी के दायरे में इसे लाया जाए तो इसे बड़ी कामयाबी माना जाएगा। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, ये बड़ी कामयाबी हो सकती है। और वित्त मंत्री ने आज राज्यसभा में अमर शंकर साबले का जो सवाल था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन सामान्य तरह से करों को प्रशासित कर रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या दोनों कर प्राधिकरणों की संरचना में एक रूपता लाने के लिए कोई प्रशासनिक सुधार किए जाने का कोई प्रस्ताव है, ऐसा कोई प्रस्ताव है क्या। उस इस सवाल के जवाब में जो जवाब वित्त मंत्री की तरफ से टेबल किया गया, उसमें साफ लिखा गया है, जैसा आपने बताया, कि कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को भविष्य में जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अगर ये बात वित्त मंत्री की तरफ से आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब इसको देखना होगा आदित्य कि इसका प्रारूप क्या होगा, इसको लागू करने के पीछे जो पूरा ब्लूप्रिंट सरकार का है, सरकार इस प्रपोजल को कैसे आगे लेके बढ़ती है। और अगर सरकार ने अगर आज पार्लियामेंट में ये बात कही है, इसका मतलब इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में जो होमवर्क सरकार को करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह शहीद एसएचओ अरशद खान के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद अरशद खान के परिवार से वो वहां मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त एक अहम अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह शहीद एसएचओ अरशद खान के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कल जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद हुए अरशद खान के परिवार से मुलाकात करने का भी उनका प्रोग्राम बन सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।